गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। प्यारे बच्चों, आज असी नौवीं क्लास के पाठ नंबर 11 कारज अते ऊर्जा दे पाठ पुस्तक दे प्रश्न उत्तर डिस्कस करांगे। यस मैम। हाँ जी बच्चे, अपना पाठ पुस्तक दा पहला प्रश्न है, किसी वस्तु उत्ते 7 न्यूटन दा बल लगदा है। मान लो बल दी दिशा विच विस्थापन 8 मीटर है। मान लो वस्तु दे विस्थापन दे समय लगातार वस्तु उत्ते बल लगदा रहंदा है। इस स्थिति विच कीता गया कार्य किन्ना होवेगा? प्यारे बच्चों, जिमें कि असी फोटो विच देख रहे हाँ कि बल जिसनू असी फोर्स कहंदे हाँ इत्थे 7 न्यूटन है। विस्थापन जिसनू असी डिस्प्लेसमेंट कहंदे हाँ वह 8 मीटर है। बच्चे, अपा ने किता गया काम कढ़ना है। जिमें कि सानू पता ही है कि कारज बराबर बल गुणा विस्थापन हुंदा है। जिमें वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो प्यारे बच्चियो, साढ़े कोले फोर्स जो कि बल है 7 न्यूटन, विस्थापन जो कि डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर। सो असी 7 न्यूटन नू 8 मीटर नाल गुणा करांगे। बच्चे, गुणा करे ते साढ़े कोल 56 न्यूटन मीटर आंसर आ जाएगा, जिसनू असी 56 जूल भी कह सकते हाँ। सो प्यारे बच्चियो, अपना किता गया कारज होवेगा 56 जूल या फिर 56 न्यूटन मीटर। प्यारे बच्चियो, की तुहानू पता लग गया है कि असी किता गया काम भाव कारज किस तरह कढ़ सकते हाँ? Yes, ma'am। हाँ जी बच्चे, हुण असी इस पाठ दा दूजा प्रश्न डिस्कस करांगे। बच्चे, अपना प्रश्न है, असी कदों कहंदे हाँ कि कारज किता गया है? प्यारे बच्चियों, इस प्रश्न दा उत्तर है, जदों किसी वस्तु उत्ते बल लगे अते वस्तु विच बल दी दिशा विच विस्थापन होवे तां बल द्वारा कार्य होया कहा जाता है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी बच्चे, इस पाठ का तीसरा प्रश्न है, जदों किसी वस्तु उत्ते लगन वाला बल इसके विस्थापन दी दिशा वल होवे तां किते गए कार्य नू प्रगट करो। बच्चे, तुसी दस सकते हो कि इसका उत्तर की होवेगा? Yes, ma'am। जदों वस्तु उत्ते लगन वाला बल विस्थापन दी दिशा विच होवे तां कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन हुंदा है। वेरी गुड मनप्रीत। हाँ जी बच्चे, हुण असी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करांगे। 1 जूल कार्य नू परिभाषित करो। बच्चे, इसका उत्तर है कि 1 जूल कार्य होया कहा जाता है, जदों 1 न्यूटन बल वस्तु नू अपनी दिशा विच 1 मीटर विस्थापित करे। जिमें कि सानू पता है कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। प्यारे बच्चियो, अगर किसी वस्तु उपर 1 न्यूटन बल लगता है अते वस्तु 1 मीटर विस्थापित हुंदी है तो असी कह सकते हाँ कि 1 जूल कार्य होया है। बच्चे, की तुहानू पता लग गया है कि 1 जूल कार्य की हुंदा है? Yes, ma'am। प्यारे बच्चियो, साडा इस पार्ट दा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलां दी एक जोड़ी खेत नूं जोते समय किसी हल उपर 140 न्यूटन बल लगाउंदी है। जोतिया गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत दी लंबाई नूं जोतण विच किन्ना कार्य कीता गया? प्यारे बच्चियो, जिमें कि सानू पता है कि बैलां नू खेत नू जोतन विच लगाया गया बल 140 न्यूटन है अते जोते गए खेत दी लंबाई 15 मीटर है। खेत नू जोतन विच कीता गया कार्य असी पता करना है।
प्यारे बच्चियों, जिमें कि सानू पता है कि कार्ज बराबर बल गुणा विस्थापन हुंदा है। इत्थे बल 140 न्यूटन दे बराबर है अते विस्थापन 15 मीटर दे बराबर है। सो जदों असीं 140 न्यूटन नूं 15 मीटर नाल गुणा करदे हाँ तां साडे कोले 2100 न्यूटन मीटर उत्तर आ जांदा है। इस नूं असीं 2100 जूल भी कह सकदे हाँ। सो बच्चियो, बैलां द्वारा खेत नूं जोतन विच कीता गया कारज होवेगा 2100 जूल जां फिर 2100 न्यूटन मीटर। प्यारे बच्चियो, की तुहानू इह सवाल समझ विच आ गया है? यस मैम, सानू समझ विच आ गया है कि कारज बराबर बल गुणा विस्थापन हुंदा है। असीं दित्ते गए बल नूं विस्थापन नाल गुणा करके कारज बारे पता कर सकदे हाँ। बहुत वधिया पूरब। बच्चे, हुण असीं इस पाठ दे अगले क्वेश्चन बारे पढ़ांगे। किसी वस्तु दी गतिज ऊर्जा की हुंदी है? प्यारे बच्चियो, असीं गतिज ऊर्जा नूं इंग्लिश दे विच कनेटिक एनर्जी कहिंदे हाँ। प्यारे बच्चियो, किसी वस्तु दी गतिज ऊर्जा उस विच उपस्थित गति दे कारण हुंदी है। हुण असीं गतिज ऊर्जा दीआं कुछ उदाहरणां करांगे। बच्चियो, की तुसी मैनू गतिज ऊर्जा दीआं उदाहरणां दे सकदे हो? यस मैम, मैम एक गतिशील पत्थर भी गतिज ऊर्जा दी उदाहरण है। हाँ जी बच्चे, तुसी गतिज ऊर्जा दीआं कुछ होर उदाहरणां दो। मैम, वगदी हुई हवा, घूमदा होइया पहिया, बंदूक विच्चों निकली हुई गोली, ये सब गतिज ऊर्जा दीआं उदाहरणां हन। बहुत वधिया बच्चे, असी हुण इस पाठ दे अगले क्वेश्चन नूं डिस्कस करांगे। किसे वस्तु दी गतिज ऊर्जा दे लई सूत्र लिखो। हाँ जी बच्चे, गतिज ऊर्जा दा सूत्र E बराबर हाफ एम वी स्क्वेयर हुंदा है। बच्चे, इत्थे एम दा मतलब मास, जिसनूं असीं पंजाबी विच पुंज कहिंदे हाँ, अते वी दा मतलब वेलोसिटी, जिसनूं असीं पंजाबी विच वेग कहिंदे हाँ। सो गतिज ऊर्जा दा सूत्र हाफ एम वी स्क्वेयर हुंदा है। बच्चियो, की तुहानू गतिज ऊर्जा दा सूत्र समझ विच आ गया है? यस मैम। हाँ जी बच्चे, असी हुण इस पाठ दा नेक्स्ट क्वेश्चन करांगे। बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति की है? शक्ति नूं असीं इंग्लिश विच पावर कहिंदे हाँ। सो प्यारे बच्चियो, कार्ज करन दी दर जां ऊर्जा रूपांतरण दी दर नूं शक्ति कहिंदे हन। जेकर कोई कारक टी समय विच डबल्यू कार्ज करदा है तां शक्ति दा मान होवेगा शक्ति बराबर कार्ज वटे समा। पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। प्यारे बच्चियो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाट शक्ति नूं परिभाषित करो। प्यारे बच्चियो, एक वाट उस एजेंट जां कारक दी शक्ति है जो एक सेकंड विच एक जूल कार्ज करदा है। असीं इंज भी कह सकते हाँ कि जेकर ऊर्जा दे उपयोग दी दर एक जूल प्रति सेकंड होवे तां एक शक्ति एक वाट होवेगी। प्यारे बच्चियो, असीं कह सकते हाँ एक वाट बराबर एक जूल वटे एक सेकंड। हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लैंप 1000 जूल बिजली ऊर्जा 10 सेकंड विच वर्तदा है, इसकी शक्ति कितनी है? बच्चे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पेपरां विच आम तौर पे पूछा जाता है। सो प्यारे बच्चियो, असी इसनों इस तरीके नाल हल करांगे। हाँ जी बच्चे, इत्थे कार्ज है 1000 जूल, समा है 10 सेकंड, असी जानते हाँ कि शक्ति बराबर हुंदी है कार्ज वटे समा। सो प्यारे बच्चियो, असी इत्थे 1000 जूल वटे 10 सेकंड लिखांगे। हुण 1000 जूल अते 10 सेकंड नूं असी कट करके साडे कोल आंसर आ जाएगा 100 जूल प्रति सेकंड, जां बच्चे असी इसनों 100 वाट भी लिख सकते हाँ।
सो बच्चे इसका उत्तर होवेगा कि एक क्लैंप की शक्ति 100 वाट है। बच्चियो की तहानू ए वाला न्यूमेरिकल समझ विच आ गया है? यस मैम, सानू पता लग गया है कि शक्ति बराबर कार्ज बटे समा हुंदी है। मैम, असी कार्ज अते समय दी वैल्यू पुट करके शक्ति बारे पता कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत शक्ति नू परिभाषित करो। प्यारे बच्चे, असी औसत शक्ति नू एवरेज पावर भी कहते हाँ। कुल उपयोग कीती ऊर्जा अते कुल ले गए समय दे अनुपात नू असी औसत शक्ति कहते हाँ। बच्चे, औसत शक्ति बराबर हुंदी है कुल उपयोग कीती गई ऊर्जा वटे कुल लिया गया समा। प्यारे बच्चियो, अज असी ने पाठ नंबर 11 कार्ज अते ऊर्जा दे पाठ पुस्तक दे प्रश्न उत्तर डिस्कस किते हन। की तुहानू ए सारे प्रश्न उत्तर समझ विच आ गए हन? यस मैम। सो बच्चे, तुसी ने हुन ए सारे प्रश्न घर जाके दोबारा पढ़ने हन अते इन्हां नू अपनियां कापियां दे उपर नोट करना है। बच्चे, असी जो भी अज न्यूमेरिकल किते हन, तुसी इन्हां न्यूमेरिकल्स दी बहुत ही चंगे तरीके दे नाल तैयारी करनी है अते इन्हां नू अपनियां कापियां उपर सॉल्व करके देखना है। प्यारे बच्चियो, असी अज पाठ पुस्तक दे प्रश्न उत्तर डिस्कस किते हन अते असी अपने अगले पीरियड विच इसे ही पाठ दे अभ्यास दे प्रश्न उत्तर डिस्कस करांगे। उन्ने समय तक बच्चे तुसी ए वाले क्वेश्चंस नू चंगे तरीके नाल याद करना है तां जो अगला पाठ सानू चंगे तरीके नाल समझ विच आ सके। यस मैम, असी इन्हां सारे प्रश्नों की बहुत ही चंगे तरीके नाल दोहराई करांगे अते इन्हां नू अपनियां कापियां उपर नोट भी करांगे। थैंक यू मैम।